हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्लोरा पैशन। आज का जो टॉपिक होगा आप अभी देख के समझ गए होंगे कि दुरांता प्लांट के ऊपर आज का वीडियो होगा। ये जो दुरांता प्लांट है बहुत एक इजी टू केयर एंड हार्डी प्लांट है। ये जो प्लांट है ये आप अक्सर देखते होंगे हेज में यूज किया हुआ। सो इसका एक दूसरा कलर का भी आता है जो गोल्डन दुरांता होता है, उसका लीफ जो है वो थोड़ा लेमोनिस येलो कलर का होता है एंड फ्लावर थोड़ी फेडेड कलर में इसका होता है। ये जो दुरांता प्लांट है ये जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट तक ये फ्लावरिंग करने लग जाता है और अप टू अक्टूबर मंथ तक ये फ्लावरिंग करता है और रेनी सीजन में बहुत अच्छे से इसमें फ्लावरिंग होता है। और ये भी एक ऐसे प्लांट है कि पॉलिनेटर को ये बहुत अट्रैक्ट करता है आपकी गार्डन में। अभी अगर हम इसका पॉटिंग मिक्सचर के बारे में बात करेंगे तो पहले जैसे दूसरे प्लांट्स के लिए वेल ड्रेनिंग पॉटिंग मिक्सचर बनाते हैं, इसके लिए वैसे ही सॉयल इसके लिए अच्छा रहता है। जैसे गार्डन सॉयल, रिवर सैंड, कोकोपीट एंड कॉम्पोस्ट, इसको इक्वल अमाउंट में लेके नीम खली और उसमें थोड़ी सी सिस्टमिक फंगीसाइड डाल के थोड़ी सी सम सॉल्ट भी आप जब रिपोर्टिंग करते हैं तभी डालिएगा ताकि जो रिपोर्टिंग सॉक्स है ये बचा रहे। उसके साथ ही आप चाहे तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह या सीवीड फर्टिलाइजर जो छोटे छोटे ग्रैनुअल्स में आते हैं उसको भी थोड़े से आप इसमें डाल दोगे तो इसके लिए बहुत अच्छा होता है। वैसे इसको लगा देंगे तो इसको कुछ भी और ज़रूरत नहीं पड़ेगी काफ़ी दिनों तक। बट इसको जैसे ही इसका फ्लावरिंग सीजन आता है, जैसे मान लीजिए आप इसको फरवरी में या जनवरी एंड तक इसमें थोड़ी सी कंपोस्ट वगैरह ऐड कर देंगे इसके लिए इनफ रहेगा। एंड सितंबर मंथ में भी इसमें थोड़ा बहुत आप फर्टिलाइजर भी दे सकते हो उसको, वैसे ही कंपोस्ट वगैरह देने से इसके लिए बहुत अच्छे रहता है। बहुत अच्छे से भी ये फ्लावरिंग करता रहता है। जैसे पुराने फ्लावर्स जैसे झड़ जाते हैं फिर से ऐसे आप जैसे देखिए यहाँ पे ये नए जैसे आ रहा है, इसका सारे नए फ्लावर्स आ रहे हैं इसमें, ऐसे करके इसमें फ्लावरिंग होती रहती है और बहुत सुंदर भी लगता है। मुझे तो खास करके ये बहुत पसंद है, शायद आपको भी अच्छा लगता हो। फिर हम बात करते हैं इसके वाटर रिक्वायरमेंट के बारे में। हाँ, इसका जो वाटरिंग है इसको हमेशा इसका जो सरफेस एरिया है इसका नीचे का तो उसमें वो थोड़ी सी मॉइस्ट आप रखिए। मॉइस्ट रखने से बहुत प्लांट को ग्रो होने में बहुत अच्छा रहता है। ड्राई हो जाने से फिर लीव्स वगैरह थोड़ा पीला पड़ जाता है, फ्लावर भी इतने अच्छे से साइन नहीं करता, वो भी सारे डल होके बहुत जल्दी झड़ जाते। वाटरिंग भी इसको फ्रिक्वेंटली आप कर सकते हो, जैसे कि इसका ज़्यादा ऐसे ऊपर का जो सॉइल देखिए थोड़ा सा ड्राई होने लगे तो फिर आप इसमें वाटरिंग कर दीजिएगा। ज़्यादा ड्राई साइड में इसको मत रखिएगा। और जब भी वाटरिंग कीजिएगा इसका जो नीचे का जो ड्रेनेज होल है उसके थ्रू उसका पानी सारे निकल जाना चाहिए, तभी दूसरे प्लांट की तरह ये भी बहुत अच्छे से ग्रो करता है। इसको कोई ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। फिर हम बात कर लेते हैं इसका जो सनलाइट कैसे एरिया में बहुत अच्छे से ये ग्रो करता है। इसको फुल सनलाइट बहुत पसंद है। अगर आप इसको ऐसे जगह पे रख सकते हो जैसे कि मॉर्निंग में 4-5 घंटे की सनलाइट इसके ऊपर आए, बाकी टाइम ये शेड इसके ऊपर आ जाए तभी वहाँ पे भी बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। बट इसको फ्लावरिंग के लिए सनलाइट की बहुत ज़रूरत होती है। सेमी शेड में भी जहाँ से इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो वहाँ पे भी थोड़ी सी गर्माहट मिले सनलाइट की, ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है वहाँ पर। फिर हम अगर बात करते हैं इसकी फर्टिलाइज़र, जैसे मैंने बताया इसको जस्ट आप जनवरी लास्ट या फरवरी स्टार्टिंग तक आप इसमें कंपोस्ट वगैरह थोड़ा दे दीजिए। एनपीके कोई भी बैलेंस एनपीके आप इसमें मिला के भी सॉइल में इसका दे सकते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए उसका जो ग्रैनुअल्स वो भी दे सकते हैं या सीवीड का जो ग्रैनुअल्स आते हैं उसको भी मिला के दे सकते हैं, वो बहुत अच्छा इसके लिए रहता है। ज़्यादा फर्टिलाइज़र की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जैसे मैंने पहले से ही बताया मैंने अपनी प्लांट्स को ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं देती हूँ,
बहुत कम, जैसे जिस टाइम पे देना, जैसे फरवरी एंड सितंबर में मैं इनको फर्टिलाइज़र देती हूँ। मैक्सिमम टाइम सी वीड फर्टिलाइज़र एंड ऑर्गेनिक कंपोस्ट वगैरह एनपीके, यही चीज़ें मैं ज़्यादातर देती हूँ। और नया लगाती हूँ जब, उसमें भी मैं जो अपना होता है एप्सम सॉल्ट उसमें थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ। इस टाइम में भी आप ऐड कर सकते हो, अगर इसको मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो, लीव्स वगैरह येलोइश हो रही हो, अच्छे से नहीं ग्रोथ कर रहा हो, तब उस टाइम आप इसमें थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, बट वो इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर बात करते हैं हम इसका पेस्ट प्रॉब्लम। पेस्ट इसमें क्या लीफ कटर लगते हैं, कैटरपिलर लगते हैं, यही है, और दूसरा पेस्ट का मैंने कभी नहीं देखा इसमें। जैसे दूसरे प्लांट के तरह अपनी मोइल सॉल्यूशन इस पर स्प्रे कर सकते हो, नहीं तो जैसे कोई भी इंसेक्टिसाइड हो दूसरे प्लांट पे, जैसे आप करते हो 1 लीटर वाटर पानी में, जैसे उसका जो देता है प्रोपोर्शन उसमें बॉटल में दिया दे रखता है, उसी के हिसाब से आप इसमें स्प्रे कर दोगे बीच बीच में, ये भी इसके लिए भी एनफ रहेगा, कोई पेस्ट या कैटरपिलर वगैरह नहीं लगेंगे इसमें। अभी हम बात करते हैं इसकी प्रोपागेशन के बारे में, इसको कैसे हम सक्सेसफुली प्रोपागेट कर सकते हैं। आप जैसे देख रहे हैं ये जितना मोटा है इसका स्टेम है, ऐसे ही स्टेम आप लेके सैंड में और कोकोपीट में किसी में भी आप इसको प्रोपागेट कर सकते हो, बहुत अच्छा से इसमें रूटिंग हो जाती है। अभी भी बहुत अच्छा टाइम है, या आप बारिश के टाइम भी इसको प्रोपागेट कर सकते हो, बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। फ्रेंड्स, मैं वीडियो एंड करने से पहले एक चीज़ आपको दिखाना चाहती हूँ। एक मेरे व्यूअर्स ने मुझे क्वेश्चन किया था, जब भी मैंने बेगम बार के रिपोर्टिंग के वीडियो शेयर किया था, उन्होंने पूछा था कि आपका जो प्रीवियस प्लांट थी, जो कि मेरा 14 इंच का पॉट में दोनों प्लांट लगे थे, तो वो प्लांट क्या आपकी डाय हो गए या है, अगर है तो भी आप दिखा सकते हैं क्या। यस, आई कैन शो यू, ये है ये वो प्लांट, आप देख सकते हैं इसको। आप जब भी मैंने दिखाया था लीफ बर्न हो रही थी, ये आप देख सकते हैं ये प्लांट को, सच में इस हमारे यहाँ गर्मी बहुत होता है, जैसे मैंने बताया मेरे टेरेस पे इसको रखती हूँ, जहाँ पे जैसे मॉर्निंग 11 o'clock तक थोड़ा सा सनलाइट आता है, डायरेक्ट सनलाइट, उसके बाद शेड हो जाता है। आपको मैं दिखाऊँ कितने जगह से मैंने इसको देखिए काटा है, वो जैसे ड्राई हो गया था सारे, फिर इसको अभी देखिए बड़े मुश्किल से धीरे धीरे इसमें नए जैसे आ रहे हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी सारा, नहीं तो अब तक तो ये बहुत बड़ा हो चुका, ये हो भी गया था फिर बीच में ये डायबैक कर गया, कि इसलिए बीच में जैसे आप जानते हो 5-6 मंथ तक मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाल पाई। उस टाइम एक्चुअली मैं क्या बताऊँ, अपनी जो हेल्थ प्रॉब्लम के वजह से, एक फैमिली मेम्बर के लॉस होने की वजह से मैं थोड़ा नेग्लेक्ट कर दी थी अपनी गार्डनिंग को, उस टाइम उसका थोड़ा सा कीमत मुझे चुकाना पड़ा। आप देख सकते हैं ये सारे कितने जगह पे, आप देखिए ये सारे काफ़ी बड़े बड़े हो गए थे, ड्राई हो गए, फिर उसके बाद ये जो भी देख रहे हैं आप, ये धीरे 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 वापस से ग्रो कर रहा है। अभी बॉड्स भी इसमें वो रखे हैं, 2-3 फ्लावर भी थे वो स्पेंट हो चुके हैं, आप देखिए मेरे पास ये प्लांट अभी भी है। फ्रेंड्स, मेरे वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगती है लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड अपनी जो प्लांट्स लविंग फ्रेंड्स है उनके साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।